उस कुत्ते के बच्चे को ना 10 मिनट में ठीक कर दूंगा मैं। वैंचू अपने बाप से मंगा ले रहा है वैंचू, ऐसी कैसी हिम्मत हो गई वैंचू, बोल के दिखाया एक बार वैंचू, सही कर दूंगा वैंचू 2 मिनट में। यार लड़ाई करके क्या होगा, उसमें और तेरे में कोई फर्क रह जाएगा? ऐसे कैसे बोल देगा वैंचू, उसी के घर में घुस के मारूंगा वैंचू। हेलो, हाय बेबी, कैसी हो? बस अच्छी हो, मौसम नहीं हो? क्या कर रही हो? ओ कितनी क्यूट लगती हो खाना खाते हुए, क्या बात कर रही हो? सच में आज हमें 20 डेज पूरे हो गए। वाह, OMG, आई कांट बिलीव दैट बेबी। पता है कल मैं रात को टाइटैनिक देख रहा था और मैंने तुम्हें इतना मिस किया। अच्छा जी, मेरा फेवरेट सीन जब गाड़ी हिल रही होती है। नहीं, यहाँ पे बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना। चना ना ना चना। मेरा फेवरेट सीन था जब एंड में जैक डूब जाता है। अगर मैं डूब गया तो तुम मुझे बचाओगी? अरे घंटा बाबा जी का, यही डुबाएगी बेटा। चुप हो जा। नहीं नहीं बेबी, मैंने बोला ना यार नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ, ऑटो रिक्शा में बैठा हुआ हूँ, आवाज नहीं आ रही। एक सेकेंड ना भैया, ऑटो ठीक हो गया क्या? हाँ जी भैया, ठीक हो गया। तो चलो ना, 200 रुपए लगेंगे, 200 मैं देता हूँ। अभी चाहिए, अभी पहले चलो तो। हाँ बेबी, आवाज आई। धीरे चला ले माइकल शूमाकर। Come on. आई लव यू 3, आई लव यू 5, नो आई लव यू इन्फिनिटी, मुझे बोलना था। अच्छा बाय। अबे तू इससे ऐसे बात करता है? तो क्या हो गया बेंच भाई, हमसे भी कर लिया कर कभी, मुंह में लेगा। और तेरा टाइटैनिक का फेवरेट सीन डूबने वाला था। ख्वाजा तेरे करम से जमाने में बात है, ख्वाजा तेरे करम से जमाने में बात है, या गरीब नवाब ख्वाजा जमाने में बात है, बंदे को नाज है कि तू बंदा नवाज है। तेरी रहमतों का दरिया आजा, 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 तेरी रहमतों का दरिया सरे मेरा काम।
जमीन पे ख्वाजा का राज है। करम है ख्वाजा पिया ये तेरा करम है। दुनिया में जो कायम तेरे मंगतों का भरम है। दुनिया में जो कायम तेरे मंगतों का भरम है। ये तेरी इनायत है ये सब तेरा करम है। बना दिया कतरे को तूने चाह समंदर बना दिया। तेरे कर्म की ख्वाजा मैं और क्या मिसाल दूं। किस्मत का तूने मुझको सिकंदर बना दिया। करम 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 तेरा 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 करम करम सितारे। चमका दिए हैं तूने मुकद्दर के सितारे। रहमत के फूल खिल गए आंगन में हमारे। तूने दिया है अहमद मुख्तार का सदका। तेरा बड़ा एहसान मेरे खानदान पर। खाते हैं ख्वाजा हम तेरे दरबार का सदका। सदका 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 पंजतनी है। नूरे नबी का नूर है तू पंजतनी है। दोनों जहां में तुझसे मेरी बात बनी है। कलाल है औलाद पयंबर। तेरे कर्म से हो गए अब्दाल कलंदर। ख्वाजा तेरी गुलामी पे हम सबको नाज है। ख्वाजा मेरा पैदान कर्म का है समंदर। समंदर समंदर दर 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 ख्वाजा का दर। चिश्ती बाहर से तन मन को मेरे रंग दिया। चिश्ती बाहर से शाहों ने भीख पाई है तेरे दयाल से। समाला मशहूर कर दिया है मुझे सारे जहां में। कहता मोइनुद्दीन का है चाहने वाला। ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया ख्वाजा 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 बना चिश्ती मैं कदा है। तेरी मस्ती ये नजर से
बरसी रही है, कहीं मैं बरसी रही है, कहीं जाम चल रहा है। नक्शे कदम पे तेरे ये गुलाम चल रहा सदके मैं तेरे नसीबतों के सदके 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 मैं तेरे नसीबतों के सदके मैं ये निजाम चल रहा है। क्या हुआ सर, इतनी अपसेट क्यों हो? अरे सिर्फ तुम्हारे बेटे के दोस्तों से परेशान हूँ, ये तो मुझे मार के ही छोड़ेंगे और इतनी आसानी से मरने भी नहीं देंगे। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, इंडियन सोल्जर दो घुसपैठी आतंकवादियों को पकड़ लेते हैं, तो उन दोनों से पूछा जाता है कि क्या लोगे, क्रीम रोल या मौत? तो उनमें से एक बोलता है क्रीम रोल, उसे लगा कि वो खाने की चीज होगी। वहीं साइड से दो जवान आते हैं, उसकी पैंट उतारते हैं, उसकी ठुकाई शुरू हो जाती है। अब दूसरे से पूछा जाता है कि उसे क्या चाहिए, क्रीम रोल या मौत? तो वो बोलता है कि मौत। तो सब कहते हैं इसे 10 इंच का क्रीम रोल दो। तो इस कहानी का तात्पर्य ये है कि इन लोगों ने भी मेरे 10 इंच का क्रीम रोल घुसेड़ रखा है। सर आप तो हमारे बच्चों के पीछे ही पड़े रहते हो, इतने तो शरीफ है। शरीफ है ये लोग, कैसे कह सकते हैं इन लोगों को आप शरीफ? इसका मुंह देखो, नाम है समीर, कहाँ से शरीफ। इसका मुंह देखो, लोग पत्थर हथौड़े से तोड़ते हैं और जो पत्थर हथौड़े से नहीं टूटता इसका मुंह इस्तेमाल करते हैं। लोग सड़कों में गड्ढे खुदाई करने के लिए इसका मुंह मांग के लेके जाते हैं। और इसका चश्मा देखो, लगता है कि गुब्बारे वाले का चुरा के भागा है। सर वेंचर्स की इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे हो, तो डूब के मर जाएगा। इसे छोड़ो सर, इसको पकड़ो। ओए हाँ हाँ याद आया, 1 महीने पहले इसका बाप आया था, माँ की चू ही बोल रहा था। मैंने कहा तय और लगा ले, तय लगाने में तेरी क्यों तार तार हो रही है। और जानते हैं जब लोग पहली बार मिलते हैं तो कुछ गिफ्ट देते हैं, जैसे कि फूल, विशिंग कार्ड एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बाप ने मुझे क्या दिया पता है? नहीं, कॉन्डोम।
अच्छा कॉन्डोम के नाम से याद आया, भाभी जी कैसी है घर पे? क्यों कॉन्डोम के नाम से आपको इसकी मम्मी की याद कैसे आई? अरे परसों मैं गया था ना आपके घर, तो भाभी जी ने गर्म होके पानी छोड़ दिया। सर ये क्या कह रहे हो, आज घर पे जाके पापा मम्मी को शूट कर देंगे? अच्छा आप इस तरह से समझ रहे हैं, तो इस तरह समझा दीजिए। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं इस नालायक का रिजल्ट लेके गया था आपके घर, तो भाभी जी मेरे लिए पानी लाई थी, और जैसे ही उन्होंने इसका रिजल्ट देखा गुस्से में गर्म होके उनके हाथ से पानी का गिलास मेरी पैंट पर गिर गया, और कुछ नहीं। आप इसके बाप के बारे में कुछ बोल रहे थे? अरे अरे भाभी जी के चक्कर में तो मैं इसके बाप के बारे में बताना ही भूल गया। अरे जब वो आए थे उन्होंने गिफ्ट में हमें कॉन्डोम दी। सर यहाँ तक हो चुका था, आगे बताइए। अरे जो करना चाहते थे वो हुआ ही कहाँ, भाभी जी रोए जाए मैं उन्हें दिए जाऊँ, भाभी जी और रोए जाए मैं उन्हें और दिए जाऊँ। क्या मास्टर जी क्या? सांत्वना, इसके नंबर ही इतने कम थे कि भाभी जी रोए जाए मैं उन्हें सांत्वना दिए जाऊं, भाभी जी रोए जाए मैं उन्हें सांत्वना दिए जाऊं। फिर मैंने उनका सर अपने कंधे पे रखा, तब जाके चुप हुई भाभी। फिर क्या हुआ? अरे आप रहने दो सर, फिर तो आप अपने घर ही आ गए होंगे ना। अरे नहीं पगले, ये तो बस स्टार्टर है, मेन कोर्स तो अभी बाकी है। तो जबान खोलिए। देखिए बबली जी आप अपने घर की बातें कितने मजे ले लेकर सुन रहे हैं, चलिए छोड़िए कुछ और बातें कर। हाँ सर आप सही कह रहे हो, आप रणछोड़ के पापा के बारे में कुछ कह रहे थे। तो चुप कर भुवन, आप ये बताइए मेन कोर्स में क्या हुआ? आप तो अपना बेमतलब बीपी बढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा आप एक्सपेक्ट। मेहरबानी करके बताइए आगे क्या हुआ। होना क्या था, भाभी जी ने मुझे बेडरूम में बुलाया और कहा धक्के मारो। तो फिर आपने क्या कहा? गलत सवाल, ये पूछ क्या किया, करना क्या है एंच? मास्टर जी सही मुझे लूट के आए एंच। मुझे तो बबली अंकल पर पहले ही शक था, ये रात को सूट सलवार पहनकर जाते कहाँ हैं? जाते होंगे अपने बलमा से मिलने, और कहाँ जाएंगे? ओह ये मुझे तो पहले ही शक था ये बबली अंकल की औलाद नहीं है। अब तो आंटी से रोज चीजें मांगने जाऊंगा एंच। बस इतने में ही पानी छूट गया तुम लोगों का, अभी तो आगे सुनो। ओह ये आगे बताओ ना मास्टर जी, बहुत मजा आ रहा है वेंच। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं सविता भाभी की कहानी सुन रहा हूँ। और फिर मैं बेडरूम में चला गया और भाभी जी ने पहले साड़ी उतारी, फिर ब्लाउज उतारा, फिर टोपी कोट उतारा, एक एक करके सब कुछ उतार दिया। मजा ही आ गया। ओ ये फिर क्या हुआ मास्टर जी वेंच? और फिर क्या हुआ, फिर भाभी जी ने पैंट उतारी, सलवार उतारी और बेडशीट उतारी, और फिर संदूक खोलने लगी, और फिर मैंने संदूक को धक्का मारा और उसे खिसका कर अपने घर चला गया। और क्या, हट वेंचो मास्टर, तू तो चूतिया निकला एक नंबर का, स्कूल की इज्जत डुबा दी वेंचो। अबे बुड्ढे तूने तो पूरे मूड की माँ छोड़ दी। अठू क्यों भुवन, कैसा लग रहा है, कुछ याद आया? नहीं याद करने की कोशिश कर। नहीं सर कुछ भी याद नहीं आ रहा है। याद कर, एक महीने पहले की बात है, तूने एक ऐसी ही मेरी बेटी की कहानी अपने इन दोस्तों को सुनाई थी, तब भी ये लोग ऐसे ही मजे ले रहे थे, याद आया? तो बेटा मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि एक दिन मैं तुझे तेरी ही नजरों में इतना गिराऊंगा कि तू खुद आत्महत्या की सोचे। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा सर, सॉरी सर। चलिए बबली जी खड़े हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा आप सोच रहे थे, और इन लोगों को बोल दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है? मेरा स्कूल में टट्टी करना तक मुश्किल हो गया है, इन लड़कों ने टॉयलेट के हर दरवाजे के पीछे मेरा नंबर लिखा और ऊपर लिखा है रात के ऐसे मजे दूंगा बावली हो जाएगी।